तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने पार्ट 9 में कहा था कि आप मेरी वीडियो पर 100 लाइक्स कर देंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शाम 6 बजे तक अपलोड कर दूंगी। तो उस वीडियो में 92 लाइक्स आ गए थे 6 बजे तक, तो इसलिए थैंक यू सो मच। तो लाइक गेम तो कम्प्लीट नहीं हुआ, पर फिर भी जिन्होंने लाइक किया है उनके लिए मैं इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ। तो बिना किसी देरी के हम इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ शीचेन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होती है और उसके साथ हमेशा हीरो पैंथ रहता था, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब शीचेन की ट्रेनिंग खत्म होती है और मैनेजर शीचेन का गेम प्ले देखते हैं, जहाँ मैनेजर को शीचेन का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो शीचेन को अपनी टीम में ले लेते हैं पर ऐसे ऑप्शन। और यहाँ पर उनका फाइनल मैच स्टार्ट होता है जहाँ पर शीचेन तो नहीं खेलता पर वहाँ पर हीरो पैंथ खेल रहा होता है और फर्स्ट राउंड वो लोग जीत जाते हैं पर सेकेंड राउंड वो लोग हार जाते हैं। और यहाँ पर हीरो पैंथ के हैंड में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो उसके मैनेजर से कहते हैं कि मेरी जगह पर शीचेन को रिप्लेस कर लीजिए क्योंकि वो मेरी तरह ही अच्छी तरह गेम प्ले करता है। और यहाँ पर हीरो पैंथ शीचेन से कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम हमारी टीम को जिता दोगे। और यहाँ पर शीचेन गेम खेलने के लिए जाता है और थर्ड राउंड वही लोग जीत जाते हैं और हीरो पैंथ और शीचेन के चर्चे हर जगह पर होने लगते हैं। पर यहाँ पर सभी लोग साथ में ये भी कमेंट करते हैं कि शीचेन चाइना से आया है तो उसे उसकी टीम के लिए गेम खेलना चाहिए, ना कि कोरिया के लिए। और ये सारी कमेंट पढ़कर शीचेन को भी लगता है कि उसको भी उसके देश के लिए खेलना चाहिए। तभी वहाँ पर हीरो पैंथ आ जाता है और वो शीचेन को लेकर बाहर जाता है और वो उसके साथ एक टॉय गेम खेलता है। और फिर वहाँ से बाहर आकर शीचेन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर हीरो पैंथ को बुरा तो लगता है पर वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम अपने देश के लिए खेल सकते हो। और फिर हीरो पैंथ और शीचेन यहाँ पर अलग हो जाते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीचेन को किसी का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि कोरिया से एक गेमर यहाँ पर आया है और वो मॉल में खो गया है, तो प्लीज़ आप मेरी उसे ढूंढने में हेल्प कीजिए। तो शीचेन को तो पता चल जाता है कि वो कौन होगा, तो फिर वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए जाता है और नीचे उसे तैंग मिलती है। तो तैंग उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो शीचेन उसे सारी बात बताता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो मॉल में जाता है जहाँ पर उसे पता होता है कि हीरो पैंथ किस फ्लोर पर होगा और क्या खेल रहा होगा। और फिर वो वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है और हीरो पैंथ को देखने लगता है और फिर हीरो पैंथ के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। और यहाँ पर हीरो पैंथ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और फिर हमें तैंग को दिखाया जाता है जहाँ रॉय आकर सभी से पूछता है कि शीचेन कहाँ है, तो तैंग उससे कहती है कि वो बाहर गया है अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो रॉय उससे कहता है कि शीचेन बीमार ना हो जाए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। और फिर रॉय उससे कहता है कि जाओ जाकर शीचेन को लेकर आओ और फिर वो उसे दो छाते देता है। और यहाँ पर तैंग उसे लेने के लिए जाती है और वो वहाँ जाकर देखती है कि शीचेन ने बहुत सारे टॉयज जीते हैं और उसके हाथ में एक रैबिट है। तो फिर वो उस रैबिट को देखने लगती है और उसे अपनी ड्रीम की याद आने लगती है। तभी शीचेन देखता है कि तैंग उस रैबिट को देख रही है, तो शीचेन उसे वो रैबिट दे देता है और कहता है कि तुम ये रैबिट रख सकती हो। और फिर यहाँ पर वो लोग बाहर आते हैं और उनके पास सिर्फ दो छाते होते हैं और वो लोग चार होते हैं, तो इसलिए शीचेन तैंग को उसका जैकेट देता है और वो दोनों एक छाते में चले जाते हैं, जिसे देख कर हीरो पैंथ हंसता है। और फिर हीरो पैंथ और उसका टीम मेट दोनों ही एक छाते में जाते हैं। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेशनल मैच के लिए टीम को सिलेक्ट किया जाता है और वहाँ पर जिनयांग एंकर बन के आई थी। और फिर सभी टीम मेंबर्स के लीडर को एक एक करके बुलाया जाता है और उनको टीम ए और टीम बी में डिवाइड किया जाता है। और फिर स्टेज पर जी आता है और वो आकर जिनयांग को हक करने लगता है, तो जिनयांग उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि हम स्टेज पर हैं अभी। तो फिर वो उससे कहता है कि ठीक है हम हाथ तो मिला सकते हैं, और फिर वो हैंड चेक करता है उससे और फिर उसके बाजू में जाकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर उसका फ्रेंड उसकी और जिनयांग की फ़ोटो खींच लेता है। और यहाँ तैंग शीचेन से कुछ बात कर रही होती है और उन दोनों को बात करते हुए गॉडियांग देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है। और फिर सभी लोगों को बताया जाता है कि उनकी मैच किस टीम के साथ होगी। और यहाँ पर ZDX की मैच CK टीम के साथ होने वाली थी, यानी गॉडियांग की टीम के साथ। और यहाँ पर फिर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर CK टीम और ZDX की टीम की मैच होने वाली होती है। और यहाँ पर CK टीम को स्टेज पर बुलाया जाता है
और अब बारी थी ZDX की टीम की और यहाँ पर हमें तैंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है क्योंकि आज उसका फर्स्ट मैच था और वो गॉड से प्रे करने लगते हैं और उसे देखकर फैटी और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं और फिर उन लोगों को स्टेज पर बुलाया जाता है जहाँ पर सभी लोग जाने लगते हैं पर तैंग वहीं पर खड़ी रहती है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो शिचेन उसके पास वापस आता है और उसके सर पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम प्ले करोगी और तुम ही जीतोगी। और फिर वो लोग स्टेज पर जाते हैं जहाँ पर तैंग देखती है कि सभी लोग उसके नाम के बोर्ड को लेकर खड़े हुए हैं और तैंग का गेम में नाम होता है स्माइलिंग। और यहाँ पर तैंग के मॉम डैड तैंग को टीवी पर देख रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं तैंग को टीवी पर देखकर। और यहाँ पर उनका फर्स्ट राउंड शुरू होता है और उसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।